मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू ईवीएस। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 18, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार के साधन। जैसे कि हम किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं या हमारे पास किसी का मैसेज आता है, वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन का वो क्या है बेटा? जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं। ओके, पीपल कम्युनिकेट विद एक्शन हैज़ वेल हैज़ वर्ड्स। जो पीपल होते हैं बेटा, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एक्शन के साथ भी करते हैं और वर्ड्स बोल कर भी करते हैं। वर्ड्स जो हम अपने मुंह में से निकालते हैं। मेकिंग गेस्टर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स आर द सिंपलेस्ट वे टू कम्युनिकेट। अब बेटा, हमारा जो कम्युनिकेशन का सबसे इजी वे क्या है? बॉडी मूवमेंट आर द सिंपलेस्ट वे। मतलब कि हमारी बॉडी के मूवमेंट, जैसे कि हम अपना हैंड हिला के या इशारा करके किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, वो सबसे इजी वे है कम्युनिकेट करने का। ओके, कम्युनिकेशन इज़ मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद समबडी नियर और फार। कम्युनिकेशन से क्या होता है बेटा कि जैसे कि हमने कोई हमसे दूर बैठा है या हमारे कोई पास है, उससे हमने कैसे कॉन्टैक्ट रखना है, ये कम्युनिकेशन द्वारा ही पॉसिबल होता है। लॉन्ग एगो अर्ली मैन बिगेन टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग साइंस। जब पहले जो लोग होते थे बेटा, वो साइन, जो अर्ली मैन था वो कैसे कम्युनिकेट करता था? साइन के द्वारा। साइन मैंने जैसे कि कहीं पर उसने आग जला दी, उसका धुआं निकल रहा है, तो उससे वो एक साइन होता था उनका कि यहाँ पर कोई है, इशारा करते थे। मतलब कि ऐसी चीज़ों को साइन का मतलब होता है इशारा करना। ओके, ही यूज स्मोक सिग्नल्स और क्लोज टू कॉल हेल्प हर। अब जैसे मैंने बताया कि वो कहीं पर जैसे धुआं कर देते थे जिससे पता लग जाता था कि यहाँ पर कोई है, या कोई कपड़ा टांग देते थे जिससे कि पता लग जाता था कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है या हमारी सहायता चाहिए किसी को। ओके, अर्ली मैन ट्रेंड हिमसेल्फ टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय दिस स्मोक। जो अर्ली मैन था, मतलब कि वो ट्रेंड था, ठीक है, अपने आप को ट्रेंड करके रखता था और अंडरस्टैंड था उसको, अंडरस्टैंड मतलब समझता था वो कि इस मैसेज का मतलब क्या है, कि फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय दिस स्मोक, मतलब कि जो ये दूर से जो धुआं आ रहा है इसका मतलब क्या है। इन ओल्डन डेज अ मैसेंजर्स आर टू रन फास्ट और राइड अ हॉर्स कैरी मैसेज फार अवे। अब बेटा, जो पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब फ़ोन तो होते ही नहीं थे, तो वो कैसे संदेश पहुंचाते थे एक दूसरे तक? घोड़ों के ऊपर किसी मैसेंजर को भेज के। ओके, पीजन्स हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द वार्स ऑफ लॉन्ग टाइम। जब बेटा पहले टाइम में जो पीजन, जो कबूतर होते थे, वो बहुत उनका बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि रोल होता था जब लड़ाइयाँ या युद्ध, वार क्या होता है? युद्ध है, युद्ध होता है, उसमें मतलब कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो पिजन्स के द्वारा मतलब कि मैसेज भेजते थे। दे वर ऑफ्टन यूज अ मिलिट्री मैसेंजर्स। मतलब कि उसके बाद क्या हुआ बेटा, उन्होंने मिलिट्री मैसेंजर्स बना लिए अपने, ठीक है। बट इन्वेंशन सच हैज़ राइटिंग, प्रिंटिंग, पोस्टल सर्विस, ई मेल एक्सेट्रा हैव इंट्रोड्यूस न्यू वे फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। पर अब क्या हो गया, अब हमारे मतलब कि जो आज की पीढ़ी है उसने नई खोज कर ली है, जैसे कि राइटिंग करना, प्रिंटिंग, पोस्टल सर्विस, ई मेल, इनके द्वारा हम किसी को भी संदेश पहुँचा सकते हैं। ओके, अब है बेटा आपका पोस्टल सिस्टम, ठीक है। पोस्टल सिस्टम में क्या होता है? थ्रू द पोस्टल सिस्टम वी कैन सेंड रिटर्न मैसेजेस फॉर समबडी व्हेन वी कैन नॉट स्पीक टू देम। जैसे पोस्टल मैसेज के, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने का मतलब है कि जैसे कि किसी को समबडी व्हेन वी कैन नॉट स्पीक देम, हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, तो हम उन्हें रिटर्न लेटर भेज देते हैं। लेटर आर द मेन मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन डिस्टेंस पीपल। पीपल गो टू द पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड कवर्स एंड स्टैम्प्स, दे यूज दीज टू राइट एंड सेंड लेटर्स। अब क्या करते हैं बेटा, जब हमने लेटर लिखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं लेटर लेने के लिए? लेटर लेने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से हम क्या लेते हैं? पोस्ट कार्ड भी लेते हैं, इनलैंड कवर्स एंड स्टैम्प्स, दे यूज दीज टू राइट एंड सेंड लेटर्स, ठीक है। इन चीज़ों को बेटा यूज़ करके हम क्या करते हैं, लेटर लिख के दूसरे को सेंड कर देते हैं, ठीक है। ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीट देयर इज़ अ रेड पोस्ट बॉक्स। अब बेटा ये चीज़ें हैं नहीं वैसे, पहले हर गली में क्या होता था, एक
पोस्ट बॉक्स होता था, ठीक है, पोस्ट बॉक्स होता था, उसके अंदर जिसने भी कोई लेटर लिखा है वो लेटर लिख के डाल देता था। वी कैन पोस्ट अवर लेटर्स इन इट, हम अपना जो लेटर था वो इसके अंदर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। गेट एक्टिव, मेक इन लैंड लेटर पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प एनवॉल्व एंड पेस देम इन योर नोटबुक। ये बेटा आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, इन लैंड लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, स्टैम्प एनवॉल्व हो गया, और ये अपने पेस्ट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है बनाकर, ओके, या आप पोस्ट ऑफिस से इसको ले भी सकते हो। हाउ लेटर्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब आ गई है बारी, जो लेटर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे भेजे जाते हैं। Every day the postman comes to the post box, pick up the letters and take them to the post office. अब क्या होता है, जो postman होता है वो क्या करता है, post box के पास आता है और वहाँ से letters लेता है और उनको कहाँ पर लेके जाता है, post office में लेके जाता है। They are shot in the post office and sent to their right place. अब क्या होता है, उनको वहाँ पर अलग अलग किया जाता है, ठीक है, फिर उनके ऊपर जहाँ पर उनको भेजना होता है उनकी सही जगह पे भेजा जा, फिर उनको अलग अलग करके सही जगह पर भेज दिया जाता है। Letters and parcels are taken from one place to another by road, train or plane. अब क्या है बेटा, जो लेटर हैं और पार्सल्स हैं वो कैसे भेजे जाते हैं दूसरी, अगर किसी दूर भेजने हो उनको कैसे भेजा जाता है, बाय रोड, ट्रेन और प्लेन, ठीक है, एरोप्लेन के द्वारा ही भेजते हैं, ट्रेन्स के द्वारा ही भेजते हैं, बाय रोड, बाय बस के द्वारा भी भेजते हैं इनको, ओके। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंट थ्रू कोरियर सर्विस, जो अर्जेंट बहुत ज़रूरी लेटर्स होते हैं उनको हम कैसे, कोरियर द्वारा भेजते हैं, ओके। दीज लेटर्स रीच देयर डेजिनेशन विद टू और थ्री डेज, अब जहाँ पर लेटर्स को भेजना होता है बेटा, भेजा जाता है, वहाँ पर वो दो या तीन दिन के अंदर पहुँच जाते हैं। अ पोस्ट ऑफिस आल्सो प्रोवाइड अ कोरियर मेल सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट, अब बेटा जो पोस्ट ऑफिस है ना उनके अंदर भी कोरियर की सर्विस है जो प्रोवाइड करा दी गई है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, अब बेटा देखो आज के टाइम में क्या आ गया, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सॉरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन अ पर्सन वी वांट टू स्पीक इज टू फार अवे फ्रॉम अस, ये सबसे बेटा क्विकेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज कम्युनिकेशन, संचार का साधन है। अगर एक पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर बैठा है पर फिर भी हम उससे एक मिनट में फ़ोन लगाते हैं और बात कर लेते हैं। द कॉल वी मेक टू समबडी लिविंग विद इन अवर सिटी और अ लोकल कॉल, अगर जो बेटा हमारे सिटी के अंदर जो कोई इंसान रह रहा है उसको, तो वो कौन सी कॉल करते हैं, हम लोकल कॉल करते हैं। वी कैन मेक अ डायरेक्ट कॉल टू एनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री थ्रू STD, ठीक है। अगर हमने अपनी कंट्री में कहीं भी दूर कॉल करनी हो, किसी अदर स्टेट में करनी हो, तो उस वो हम करते हैं STD कॉल करते हैं, और अगर हमने इंडिया से बाहर कहीं कॉल करनी हो तो उसे ISD कॉल मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन से की जाती है, ठीक है। इज़ अ टेलीफोन दैट डज नॉट हैव वायर्स, ठीक है। अब आ गए बेटा आपके मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन, इनकी क्या होती है, वायर नहीं होती, ठीक है। Is that telephone does not have wires. We can take to people and send text message over it. इनके ऊपर बेटा हम लोगों को लिख के भी मैसेज भेज सकते हैं। We can also use it while traveling. अगर हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो तब भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। Nowadays we can receive and send email through mobile phones. अब क्या हो गया बेटा, अब we can receive भी करते हैं और हम send भी करते हैं email. ईमेल्स आ गया अब, जिससे कि हम अपने मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स, ओके। ईमेल, अब हमें पढ़ना है ईमेल होता क्या है। ईमेल आर सेंट थ्रू कंप्यूटर्स एंड सेलुलर फोन्स, अब जो ईमेल होता है बेटा वो एक तरह का मैसेज होता है जिस जो कि हम कंप्यूटर के द्वारा और सेलुलर फोन्स के द्वारा इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक एंड इवन वीडियो क्लिप्स थ्रू ईमेल, अब बेटा जो ईमेल है उसमें हम लिख के मैसेज, फोटोग्राफ्स,
रिकॉर्ड म्यूजिक, कोई म्यूजिक भी भेज सकते हैं, इवन वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, ओके, ईमेल के द्वारा। फॉर रिसीविंग एन ईमेल इट इज़ द एसेंशियल टू हैव अ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। अगर हमने ईमेल चलाना है तो हमारे पास कंप्यूटर या फिर सेलुलर फ़ोन होना ज़रूरी है, या फिर मोबाइल फ़ोन, और उसके बीच उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है बेटा, मतलब कि ये ऐसा संचार का साधन है जिसमें हम हजारों लाखों लोगों को एक साथ ही मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि किसके द्वारा? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, ये सारे क्या है? मास कम्युनिकेशन है, वेयर द मैसेज रीच हंड्रेड्स ऑफ द पीपल एट द सेम टाइम, ओके। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर क्या है तो सभी को पता है, रीड करते हैं, सबके घर आता होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड डेली और वीकली, इट कंटेन्स द करंट न्यूज़ ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, द टॉपिक कैन इंक्लूड पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, वेदर एंड सो ऑन, ओके। अब पता ही आपको बेटा, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें हर तरह की खबर होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो मौसम के बारे में, वेदर के बारे में हो, और भी बहुत सारी खबरें हैं जो हमें न्यूज़पेपर द्वारा मिलती हैं, ओके। आगे रेडियो एंड टेलीविज़न। अब बेटा देखो, रेडियो तो बहुत कम रह गए हैं घरों में, टीवी की जगह भी LEDs आ गई हैं, है ना, तो आजकल तो टीवी भी नहीं रहे लोगों के घरों में। पर इनसे क्या होता था, रेडियो और टीवी में बेटा एक ही जैसा, मतलब कि अगर किसी घर में होता है रेडियो या टीवी होता है, आपको भी पता है कि उसमें जो न्यूज़ चैनल चलते हैं वो सभी के घर में बराबर ही चलते हैं, एक जैसे ही चलते हैं, है ना। चैनल हम चेंज कर सकते हैं पर न्यूज़ है सबके घर में एक जैसी आती है, और सबके घरों में न्यूज़ पहुँचाने के लिए रेडियो और टेलीविज़न की ज़रूरत पड़ती है, ओके। नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉल्स। आजकल क्या सिस्टम आ गया, वीडियो कॉल्स का सिस्टम आ गया है ना। आजकल अगर हमने कहीं कोई कहीं भी बैठा है तो हम उससे कैसे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल से बात कर लें। नाउ डेज मैनी हाउस होल्ड्स हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। अब लोगों के घरों में इंटरनेट कनेक्शन है। द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर। अब जो इंटरनेट है बेटा, इसने हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बना दिया, बहुत आसान और तेज बना दिया, ईजियर एंड फास्टर। वीडियो कॉल्स कैन मेड थ्रू द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। दे अलाउ द स्पीकर्स टू सी ईच अदर वाइल दे टॉक, ठीक है। अब देखो बेटा, जो वीडियो कॉल है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन हमारे पास होता है तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल जैसे एक दूसरे को करते हैं, तो उसमें हम भी दिख रहे होते हैं और वो भी दिख रहा होता है, और उसके साथ हम इजीली बात कर लेते हैं, ओके। दे अलाउ स्पीकर्स टू ईच अदर वाइल दे टॉक, ठीक है, सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं आपके, कीवर्ड्स कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, फेस टू फेस चैट थ्रू मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा, ओके। रिमेंबर में देखो बेटा, वी नीड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वी नीड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड, मैसेज भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। कम्युनिकेशन इज मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद समबडी नियर और फार, ओके। पिजन, स्मोक आर एंड फायर वर यूज टू कम्युनिकेट इन ओल्डन डेज। ये चीज़ें बेटा पुराने ओल्डन डेज में यूज़ की जाती थी, ओके। लेटर्स आर द मोस्ट कम्युनिकेशन मीन ऑफ सॉरी लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स हैं जो सबसे बेटा आम है, ठीक है, कम्युनिकेशन संचार का साधन है जो। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो आर मास मीडिया वेयर द मैसेज रीच 200 पीपल एट द सेम टाइम। अब मास मीडिया में क्या होता है, हमने जो मैसेज, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को हमने मैसेज देना होता है, वो मास मीडिया के द्वारा दिया जाता है। मास मीडिया के वो क्या है, साधन क्या है, न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो, ओके। ये था बेटा आपका लेसन नंबर 18, मास ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। अब ये लेसन बेटा हमारा हो गया है, इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।